नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में आफत मचलने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन ने ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं। नदी का पानी शाम तक बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। वाल्मीकि बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बराज से पिछले 24 घंटे में 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा वाटर डिस्चार्ज किया गया है, जिस कारण बगहा से लेकर गोपालगंज तक अलर्ट जारी है। लेटेस्ट अपडेट है, उसमें पानी का लेवल 2,64,000 पहुँच चुका है। आने वाले कुछ समय में 3 लाख का भी फोरकास्ट है। इसको देखते हुए हम लोग जो निचले लो लाइंग लेवल के जो गांव हैं वहां पे हम लोग अलर्ट कर दिए हैं और माइकिंग करवाई जा रही है लगातार, कि जो भी लोग हैं अपने वैल्यूएबल सामान के साथ सतर्क रहेंगे और प्रशासन वहां पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो चकदावा, जैसे चकदावा जगह है वहां पे खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यपालक अभियंता सुबोध चौधरी के मुताबिक पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी नदी मसान ने भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। रामनगर प्रखंड के उत्तरांचल का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। बलुआ, पथरी, डुमरी, सिंघई पहुंचने के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए, रामनगर जाने के लिए रोड नहीं है, जो नदी खराब कर दिया है। कितना कष्ट हो रहा है रामनगर जाने के लिए। बलुआ गाँव में जो मुख्य सड़क है वही तोड़ दिया है। इस पर आज 10 साल से ना कोई पुल, जब से जन्म हम लोग का हुआ है ना पुल देखे हैं लो, ना कोई कुछ यहाँ का सड़क देखे हैं। इतना छरत के भागल हिए नू रे, इतना रेस के।